हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज के अंदर करेंगे इंटेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज। देखो, इसके अंदर मैंने आपको मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में बताया था, इसके अंदर मैंने आपको मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। अब हम करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। देखो, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, इसके अंदर क्या होता है कि हम जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर या तो मॉडिफिकेशंस करते हैं या हम नए या उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट जो होते हैं उनको डिवेल्प करते हैं, ताकि वो करंट कस्टमर को हम एस्टैब्लिश चैनल के द्वारा, जो हमारे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्टिंग है, उसके द्वारा हम पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं या प्रोडक्ट के अंदर जो वेरिएशंस है, जो डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, या हम उसी के अंदर ही कुछ एडिशनल मॉडल और साइज जो होते हैं, जो कस्टमर के डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हम वेराइटीज़ निकालते हैं। और देखो, ये जो प्रोडक्ट डिवेलपमेंट स्ट्रैटेजी है, ये वहाँ पर सुटेबल होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की मेच्योरिटी स्टेज में होता है, और इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, कंपटीशन बहुत इंटेंस होता है, और वहाँ पे हमें लगता है कि अगर हमने सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो, जो इंटीग्रेटिव ग्रोथ स्ट्रैटेजीज है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारी जो भी फर्म की प्रेजेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको हम कंबाइन करते हैं, या तो ये वैल्यू चेन के बेसिस पे करते हैं। वैल्यू चेन का अर्थ होता है कि जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिंक्ड होती हैं, जहाँ से हम रॉ मटेरियल से लेके जब हम फिनिश प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अब देखो, जो हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट एट द सेम लाइन ऑफ प्रोडक्शन या मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर जो है उसको लेती है, तो हम कहते हैं कि इसने हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। देखो, जैसे एक लगेज कंपनी बनाती है तो वो एक राइवल लगेज कंपनी जो है उसको परचेज कर लेती है या उसको मर्ज कर लेती है या एक्वायर कर लेती है, तो इसको हम हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन कहते हैं। देखो, हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन से क्या होता है कि सेम मिलता जुलता बिजनेस हमने एक्वायर कर लिया, तो यहाँ पे हमारा साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पे देखो हमने अपना जो कंपटीशन है उसको भी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि अब हमारा साइज बड़ा हो गया तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं, तो नेचुरली जो हमने राइवल कंपनी को अपने साथ मर्ज कर लिया तो हम मिलजुल के रिसर्च कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है और ओवरऑल कॉस्ट भी जो है डिक्रीज होती है। और उसी तरह देखो, जो वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है, वहाँ पे क्या होता है कि जो वैल्यू चेन है उसके अंदर या तो हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे जो होते हैं सक्सेस, जो प्रोडक्शन की सक्सेसिव स्टेजेस हैं वहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं। एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम, जैसे मान लो कोई, पहले हम रॉ मटेरियल कहीं से परचेज करते हैं, अब रॉ मटेरियल को हम खुद बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो प्रोसेस हम ख़त्म करते थे उसके आगे वाला प्रोसेस हम दूसरे से करवाते थे, वो हम खुद करने लग जाते हैं। जैसे बाटा जो है, बाटा देखो रिटेलिंग भी करता है तो कस्टमर को माल पहुंचाता भी है, तो यहाँ पे जो है, जैसे स्पिनिंग कंपनीज हैं, ठीक है, अगर वो वेविंग के अंदर चली जाती हैं तो हम कहते हैं कि उन्होंने जो है बेसिकली, जैसे फैब्रिक एंड गारमेंट जो है अगर वो स्पिनिंग के अंदर चली जाती है तो हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, बट अगर वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चली जाती है तो हम कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का आगे वाला हिस्सा करते हैं, जैसे कोई कंपनी फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, मार्केटिंग कहीं और से करवाती है, अगर वो मार्केटिंग भी खुद करने लग जाती है तो हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। बैकवर्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ हम पहले कहीं और से करवाते थे, जो हमें रॉ मटेरियल या कंपोनेंट अब हम खुद बनाने लग जाते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, हमारी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। देखो, जैसे इंडियन टेक्सटाइल के अंदर ही मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि अगर स्पिनिंग कंपनी जो है वीविंग या गारमेंट के अंदर चली जाती है तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है। ये अगर फैब्रिक को गारमेंट जो वाली है वो अगर स्पिनिंग के अंदर चली जाती है तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है। तो इसका भी ये बेनिफिट होता है कि हम अपनी क्वालिटी के ऊपर चेक कर सकते हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि हम उनको यूटिलाइज करके वर्टिकली इंटीग्रेशन जो है कर सकते हैं।
उसके बाद देखो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ हैं। देखो डाइवर्सिफिकेशन जैसे एक्सपेंशन होती है कि हम रिलेटेड फील्ड के अंदर, जैसे मान लो कोई एजुकेशन सेक्टर में है तो वो एजुकेशन फील्ड के अंदर ही जो है एंटर करता है, तो हम कहते हैं रिलेटेड फील्ड के अंदर जाता है। देखो जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ होती हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बिजनेस डेफिनेशन के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, या तो कस्टमर फंक्शन में चेंज होता है, या तो एक ही चीज़ में चेंज होता है, या जॉइंटली चेंज होता है, या तो कस्टमर हमारे जो फंक्शंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, या हमारे जिस कस्टमर को हमने सर्व करना है वो चेंज हो जाता है, या हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस की डेफिनेशन जो है उसमें चेंजेस आती हैं। और देखो डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि या तो हम नया प्रोडक्ट, या हम न्यू मार्केट, या बोथ न्यू मार्केट भी और न्यू प्रोडक्ट भी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं। अब देखो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर जो हम करते हैं वहाँ पे हमने रिस्क को मिनिमाइज़ करना होता है। अगर हम रिलेटेड बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन करते हैं तो अगर वहाँ पे उस इंडस्ट्री को वो इफेक्ट करता है तो वो हमारी इंडस्ट्री को भी इफेक्ट करेगा। बट अगर अनरिलेटेड है तो एक में अप है तो एक में डाउन है, तो वहाँ पे हमारा रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाएगा, हम अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि कई बार हमें लगता है कि यही एक सोल्यूशन है जिसके द्वारा हम अपनी रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, अगर हम अनरिलेटेड फील्ड के अंदर भी क्या है अपना बिजनेस को जो है एक्सपेंड करते हैं। अब देखो जो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है उसको हम कंसेंट्रिक कहते हैं। देखो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस डेफिनेशन के साथ मैच करती है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शन या अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी के साथ वो मैच करता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। देखो मार्केट रिलेटेड जो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होती है, जैसे सीविंग मशीन जो है, जो कपड़ा सीने वाली मशीन है, अगर वो किचन का सामान भी बनाने लग जाते हैं तो नेचुरली वो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है यूज़ करके सेम कस्टमर तक उस सामान को पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मार्केट, यहाँ पे हम जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है मार्केट का वो यूज़ कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी रिलेटेड के अंदर क्या होता है कि हम रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ करते हैं। और देखो जो मार्केट एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेम टेक्नोलॉजी होती है। और यहाँ पे हमारा जो बेसिकली क्या है कि जैसे सिंथेटिक वाटर टैंक मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अदर सिंथेटिक आइटम्स भी जो हैं प्री फैब्रिकेटेड डोर या विंडोज़ भी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये मार्केट एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है डाइवर्सिफिकेशन है। और उसी तरह ही देखो जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी जो है हायर परचेज का काम करती है, वो इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को डील करती है, लेकिन अब वो रिटेलिंग भी करने लग जाती है, तो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है। और उसी तरह क्या है कि देखो जो कॉन्ग्लोमरेट अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है, यहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ वो रिलेटेड नहीं होता, जैसे कोई एजुकेशन सेक्टर में है तो वो होटल सेक्टर में है या हॉस्पिटल खोल लेता है, तो यहाँ पे हम अपने बिजनेस रिस्क को स्प्रेड करना चाहते हैं, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और जो भी हमें लगता है कि बेनिफिट्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर उनको हम लेना चाहते हैं। जैसे ITC ग्रुप है तो यहाँ पे देखो ये एग्री बिजनेस में भी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी है, होटल इंडस्ट्री अंदर भी है, टेक्नोलॉजी में भी है, आदित्य बिरला ग्रुप जो है अल्मोनियम के बिजनेस में भी है, आउटसोर्सिंग भी करता है सीमेंट कैपिकल एंड कॉपर के अंदर भी है, तो सो ऑन। और उसी तरह ही देखो जो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज है, इसके अंदर क्या होता है कि हम जो हमारे बिजनेस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि जो बिजनेस हमारे प्रॉफिटेबल नहीं है तो उनमें से हम या तो कंप्लीट या पार्शियल विड्रॉल कर लेते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है रिटेल सेलिंग बंद कर देती है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग के ऊपर जो है फोकस करती है। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ हम स्टेबल, जैसे एक पेंट कंपनी है वो डेकोरेटिव पेंट जो है लार्ज कस्टमर को ऑफर करती है, अगर वो अपनी रेंज एक्सपैंड करती है तो हम कहते हैं कि इसने एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, अगर कुछ बिजनेस वो क्लोज डाउन कर देती है जो प्रॉफिटेबल नहीं है तो रिट्रेंचमेंट है। यहाँ पे क्या है, कुछ एरियाज के अंदर हम स्टेबिलिटी है, कुछ एरिया के अंदर हम एक्सपेंशन है, कुछ एरियाज के अंदर हम रिट्रेंचमेंट है, तो इसको हम कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं।